हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इन प्रीवियस डे वी हैव कंप्लीटेड इनवॉलेटरी एंड नलपोटेंट मैट्रिक्स। देखते हैं कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय एनी गिवन मैट्रिक्स ए, रिप्लेसिंग इट बाय द करस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई मैट्रिक्स ए है, उसके कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस करने पर हम उस मैट्रिक्स को कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, इसे डिनोट करते ए बार से, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखते हैं एग्जांपल के साथ क्या होता है। सपोज देयर इज अ ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर 1, 1+i, 3, 1-i। अब क्या कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कंजुगेट नंबर से रिप्लेस करने पर। कॉम्प्लेक्स नंबर 1+i, 1-i इमेजिनरी नंबर, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 1+i का i का साइन चेंज हो जाएगा, 1+i का 1-i, 1-i का 1+i। इसे a बार से डोंट करते हैं तो a बार का हो जाएगा 1, 3, 1+i की जगह 1-i, 1+i। a बार क्या है, कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। कुछ प्रॉपर्टीज से कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ही देखते हैं। लेट a बार एंड b बार बी द कंजुगेट ऑफ a एंड b। सपोज़ कोई दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, उनका कोई कंजुगेट है ए बार एंड बी बार। जैसे हमने ए ट्रांसपोज में देखा था कि ए मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करने पर और फिर उसका ट्रांसपोज अगर करें तो मैट्रिक्स ए ही आती है, वैसे इधर ए मैट्रिक्स का अगर कंजुगेट कर रहे हैं और फिर उसका कंजुगेट कर रहे हैं तो वही आएगा ए। ए प्लस बी का ट्रांसपोज जब हम लोग करते थे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आता था, वैसे ए प्लस बी का जब कंजुगेट करेंगे तो ए कंजुगेट प्लस बी का कंजुगेट। अब उधर अब हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में देखा था के ए ट्रांसपोज, के इधर स्केलर नंबर था तो के बाहर आ गया था, फिर ए का ट्रांसपोज, बट इधर के कॉम्प्लेक्स नंबर है तो के का भी कंजुगेट होगा और ए का भी कंजुगेट होगा। अब इधर देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जब उधर ए बी का ट्रांसपोज हम लोग करते थे, ए बी का ट्रांसपोज करते थे तो आता था बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, बट ए बी का जब कंजुगेट करेंगे तो ए कंजुगेट डॉट बी कंजुगेट ही आएगा। जब कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं हम लोग तब उसे कहते हैं ट्रांजुगेट या ट्रांसपोज्ड कंजुगेट। ओके, जब कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो उसे ट्रांजुगेट और ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ए थीटा से डिनोट करते हैं। ए थीटा क्या होता है, ए बार का मतलब ये क्या हो गया, कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, ये कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करने पर ये आएगा। सपोज देयर इज एन एग्जांपल ए इक्वल टू 2, 1+i, 0, 3, 2i। अब इसका क्या है कि इसका जब आप कंजुगेट करेंगे मतलब i की जगह -i, ठीक, 2, 1+i की 1-i, 0, 3, 2i की जगह -i। अब इसका ट्रांसपोज कर दिया, ठीक, रो को बदल दिया कॉलम में, दोनों रो को, इधर 2 × 3 का इधर 3 × 2 हो जाएगा, तो ये आ गया। ये होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट मैट्रिक्स या ट्रांजुगेट। अनदर टॉपिक इज हर्मिटन मैट्रिक्स। क्या होता है हर्मिटन मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ हर्मिटन मैट्रिक्स इफ द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। जो भी मैट्रिक्स, ये कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर आपने कंजुगेट किया फिर उसका ट्रांसपोज किया तो बराबर आनी चाहिए वही ए मैट्रिक्स, तभी वो मैट्रिक्स हर्मिटन मैट्रिक्स होगी। बट इसकी एक कंडीशन है, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल, द एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी ऑल रियल नंबर। इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से डायगोनल, ठीक, रियल नंबर होना चाहिए। देखो दोनों रियल नंबर हैं, सेकेंडरी डायगोनल में इमेजिनरी नंबर है। चलो क्या कह रहा है कि इसका कंजुगेट करने पर, अगर कंजुगेट करके ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स आ रही है जिसका आपने कंजुगेट करके ट्रांसपोज किया है तो आपकी हर्मिटन मैट्रिक्स होती है। देखो चलो देखते हैं, इसका पहले करते हैं कंजुगेट, 1i की जगह -i, -i की जगह i, -1। अब इसका करते हैं ट्रांसपोज, तो रो को बदल देंगे कॉलम में, तो 1 - i कॉलम को बदल देंगे और रो को कॉलम i, -1 आ गई ना, ये बराबर होगी ना, तो मतलब ये हर्मिटन मैट्रिक्स है। अब देखते हैं इसकी हर्मिटन मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसकी सिमेट्रिक में पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का, ए मैट्रिक्स जो है जो उसका ट्रांसपोज करने पर ए ट्रांसपोज आता है, ठीक, बट इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हैं तो बराबर आना चाहिए माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के। उसी प्रकार इधर
इसकी हैमिल्टन मैट्रिक्स में है कि अगर ए मैट्रिक्स का आप कंजुगेट करके ट्रांसपोज कर रहे हैं तो बराबर आना चाहिए माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स की, ओके। बट इसमें भी एक कंडीशन, इसमें क्या कंडीशन है कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए। देख इधर थे रियल तो इधर उधर, इसके हैमिल्टन मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो इमेजिनरी होने चाहिए, मतलब आई के साथ होने चाहिए, ओके। अब कंप्लीट हो गया मैट्रिक्स के जितने भी बेसिक्स थे, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।